पिता पूजा कर रहे हैं। तो मैं क्या कुत्ता हूँ जो मेरे वहाँ जाने से पूजा छुआ जाएगी? महादेव उन्हीं को पहचानते हैं कि मुझे भी। हाँ। पागल की तरह क्यों खलते हो? लुको, अभी यहीं लुको, मैं पिताजी से पूछ कर आता हूँ। मैं तो हूँ ही मस्त मौला। वंदे गोदमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाशय प्रणाम करता हूँ ठाकुर जी, प्रणाम करता हूँ। उठो उठो, तुम कौन हो? मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ। तुम्हारा नाम? लोग हमें उगना कहते हैं। और जाति? जाति मेरा कैवर्त है और मेरा पानी सबको चलता है। तुम कहाँ रहते हो? कभी जंगल में तो कभी पहाड़ पर। ठाकुर जी हा? अभी मुझे बहुत तीव्र प्यास लगी है। हा? पानी मिलेगा? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे साथ और भी कोई है या तुम अकेले हो? आगे पीछे कोई नहीं है, बस एक घरवाली है। हाँ। पर्वतिया, और दो छोटे छोटे बच्चे। अच्छा? एक चूहे के संग खेलता है और दूसरा मयूर के संग। लेकिन उन लोगों को मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। वो क्यों? वो आप नहीं समझे ठाकुर जी। हाँ? वो मायके से धनी है। हाँ। जो बाप के सिर पे बैठ के खाती रहती है और बच्चों का भी भरण पोषण करती है। तो तुम भी वहीं जाकर क्यों नहीं रहते? छी 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 ठाकुर जी, आप क्या कहते हैं? आप घर जवाई बन के अपनी नाक कटा लूं क्या? अच्छा बोलो तो तुम क्या चाहते हो? बस आपका भजन सुनने को जी ललायत रहता है। आप अपना भजन हमें सुनाते रहे और हमसे जो काम चाहे करवाते रहे। तो तुम रहो और मेरे बैलों की चरवाही करो। जैसा काम हमको चाहिए वैसा पाया। ठाकुर जी बैलों की चरवाही हमसे अच्छा कौन करेगा? भर जीवन तो हमने यही किया। तुझे मुझको भी कंधे पर घुमाना पड़ेगा। कहिए तो हम आपको अपने कंधों पर बैठा कर तीनों लोग घुमाएंगे। ये कौन है? प्रणाम करता हूँ ठकुराइन। पिताजी ने नया तलवार लगा है, नाम है उदना। उदना ले चल मुझे अपने कंधे पर। आइए बैठिए ना हमारे कंधे पर। जानते हो उदना, लामा भी मुझे कंधे पर घुमाता है। क्यों जानते हो? वो हमसे डलता है। हा? ये बात है। अले उदना, लामा आला है, हमें कंधे दे, उतालो उतालो। अरे बाप रे बाप। मन कैसा लग रहा है? पानी पीजिएगा। अरे तुम कौन हो? हम उगना। उगना? अरे तुम कब और कहाँ से उगाए? जहाँ देखो वहीं से। अच्छा तो उगना तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो तुम करते हो। मैं तो ठाकुर जी की नौकरी करता हूँ। तो हम चाकरी करते हैं। अरे बाप रे बाप। क्या हो रहा है रामा? कुछ नहीं कुछ नहीं, उगना को काम समझा देता हूँ। हाँ तो उगना, जलावन लाना, लकड़ी फाड़ना, धोती धोना, बैल चराना, दलान बुहारना, ये सारा काम तुझे ही करना पड़ेगा, समझ गए ना? और हाँ, सब काम करने से पहले नहा लेना। अरे रामा, सब काम उगना ही करेगा तो तुम क्या करोगे? मैं इससे सारे काम करवाऊंगा क्योंकि मैं पुराना हूँ ना। बड़ी अच्छी जगह है ये। अले उदना, तुम यहाँ तो होगे? यहाँ तो गोबर की गंध आती है। आप नहीं समझेंगे, इसी गंध में तो सुगंध छुपा है। अरे
हमारा तो समय हो गया। क्या समय हो गया? आप अभी बच्चे हैं, आप नहीं समझेंगे। ए, ए, मुझे नहीं कहोगे तो मैं मानूंगा। देखती नहीं लामा मुद्दे कहते डलता है, या मैं तो कहता हूँ वही होता है, समझ गए ना? कहता हूँ। हम थोड़ा भांग खा लें। अच्छा, तो तुम भी भांग खाते हो? होली में मेरे पिताजी भांग खाकर भंगिया गए थे। मगर हम भकुआते नहीं हैं, हम बौड़ा जाते हैं। अब मन की व्याकुलता कम हुई। पिया बालक मोरे हम तरुणी गे। अजी ठाकुर जी, सब लोग सोए हैं और आप लिखने में लगे हैं। क्या कहूँ उगना, कभी हर पति तो कभी सुधीरा के कारण समय ही नहीं मिलता है। अरे उगना, अभी महादेव का एक अति सुंदर प्रसंग मन में आया है। बताइए ना ठाकुर जी, क्या प्रसंग मन में आया है? बैठो। एक बार क्या हुआ कि कुछ कारणवश महादेव को बच्चा बनना पड़ा और उन्हें लग गई भूख, और भूख से महादेव लगे रोने। जब महादेव रोने लगे तो सभी देवताओं ने